मासूम को क्या पता कब कोई हादसा हो जाए। मासूम में देखकर एक बार फिर अपनी विचलित हो जाएंगे। स्कूल में वो पढ़ते हैं जो अध्यापक बाकी स्टाफ कितना लापरवाह हो चुका है। इसका मामला सिद्धार्थ नगर के वार्डपुर विकास खंड के ग्राम सभापुर के स्थित प्राथमिक मध्यता के साथ ही विद्यालय का है। आज कल विद्यालय के वार्षिक परीक्षा भी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यालय के अलार्म यह है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बकायदा बच्चों को नकल करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आरपी जोशी जी की नवी रिपोर्ट सिद्धार्थ नगर। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके माध्यम से ये बात आई है तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उस विद्यालय की जांच कराकर जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये कितना गंभीर मामला है? ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि बच्चों से किसी प्रकार का भी इस संबंध में कोई काम नहीं लेना है। हमारे यहाँ रसोईया नियुक्त है, रसोईया काम है भोजन बनाना और बर्तन साफ करना, ये रसोईये का मतलब जिम्मेदारी दी गई है। क्या कार्रवाई होगी अगर ये मामला आता है तो हेडमास्टर के ऊपर जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अपना खाना हुआ खाया हुआ प्लेट खुद धो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? सड़क उस पार हो रही जाके, सड़क के उस पार जाके, जबकि ट्रैफिक कैंपस में जो है एक ही है, तो बड़े बच्चे तो समझदार हैं, बड़े बच्चे वहाँ एक भी नहीं थे। अब छोटे बच्चे एक दो को मना कीजिए, लेकिन सब कहीं ना कहीं कभी कही जाते हैं, दो चार कहीं जाते। अगर कोई हादसा होता तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जी हम ही होते। अब एक सेकंड के लिए वहाँ चले गए टॉयलेट, बच्चे निकल गए। हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम बच्चों को नहीं जाने देते हैं। लेकिन अब कहीं आदमी अगर बताइए इमरजेंसी नहीं पड़ता एक दो मिनट के लिए। आपके यहाँ परीक्षा हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पे पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं, देश के नाम, राजधानी सब कुछ लिखे हुए हैं, उसी रूम में बच्चे बैठ के बसते हैं। आप आज के बाद अगर कल आएंगे तो ये कंडीशन नहीं देखेंगे, अपने दाइयों को रोक कर रखेंगे। मैं दाइयां मरेंद्र में हैं, जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ खड़ी हो जाती है। किसी को इल्जाम कराना भी चाहिए तो बेवजह करने।